तो आई एम राइट, आज जीटी है, मस्टैंग है, यहाँ पर मस्टैंग और भी कड़ी है जो कि रेड कलर में है, उसके बाद सेकंड है बिल्कुल साथ में ही येलो कलर में मस्टैंग। क्या गाड़ी है भाई, क्या गाड़ी, मतलब आप ऑडियंस अगर आपको गाड़ी अच्छी लगती है एक लाइक तो बनता है, ठीक है। उस ए यो, क्या हाल चाल सभी के। सो यार आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज आप सभी को लेकर चला हूँ द फोर्ड रामगढ़ में, मतलब रामगढ़ में एक बहुत बेहतरीन फोर्ड है और वहाँ पर एक इवेंट हो रहा है जिसके अंदर मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ सुपर कार्स। बिल्कुल जी हाँ, सुपर कार्स मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक ब्लॉग बनाते हैं आप सभी के लिए। तो यार पूरा ब्लॉग देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। फिलहाल आपने मस्टैंग देखी है, अब ये जा रही है आई थिंक सो बेंटली, एज यू कैन सी व्हाट अ कार, व्हाट अ कार, क्या बात है। वैसे रोज नहीं चंडीगढ़ में ऐसे गाड़ियाँ देखने को मिलती, लाइक ट्रैफिक जाम में सभी पोर्च कार्स लाइक जीटी। What a great lineup it is. GT से start करते हैं, okay? So उसके बाद Audi, then Mercedes, and after that you can see Porsche, okay? So क्या great lineup है basically. उसके बाद Jaguar, okay? क्या बात है, what a car, what a car. So after that उसके बाद एक और Mercedes and here we have is Porsche, okay, and after that it's Bentley and at the last Mercedes. और बहुत great lineup है। So now we are at रामगढ़ फोर्ट, रामगढ़ फोर्ट में हैं फिलहाल, रामगढ़ शोले वाला रामगढ़ नहीं है। So जो मेरे साथ है हनीपा जी, कैसे हनीपा जी? So आज आप पहली बार हनीपा जी को देख रहे होंगे, तो फिलहाल मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ। ये लगा है सारा का सारा फेयर जो सुपर कार्स का है। सो फिलहाल जैसे कि मैं बता दूँ, पीछे है रामगढ़ फोर्ट, मैं बेसिकली रामगढ़ फोर्ट में भी जाके आऊँगा एंड वन बाय वन मैं आपको यहाँ की जो सुपर कार्स हैं उनको थोड़ा सा आपको ये करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी सुपर कार यहाँ पर आई है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ यार सुपर कार देखने के लिए कि हम शुरू से ही देखते ना, जैसे मेरी जो एज के बच्चे हैं जो जब छोटे हुआ करते थे तो सुपर कार्स का हमारे को बहुत शौक होता था। तो यार मैं आपको दिखाता हूँ सुपर कार्स, तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर खड़ी है मस्टैंग, इफ़ आई एम राइट ये मस्टैंग ही है, बिकॉज मेरी जो एक कहते हैं ना वो नॉलेज है, फिलहाल नॉलेज इतनी नहीं है। तो आई एम राइट, आज जीटी है, मस्टैंग है, यहाँ पर मस्टैंग और भी खड़ी हैं जो कि रेड कलर में है, उसके बाद सेकंड है बिल्कुल साथ में ही येलो कलर में मस्टैंग। क्या गाड़ी है भाई, क्या गाड़ी है, मतलब आप ऑडियंस अगर आपको गाड़ी अच्छी लगती है एक लाइक तो बनता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड थर्ड नंबर पर है रोल्स रॉयस, ओके। थोड़ा सा सांस लेना चाहिए मुझे गाड़ी को देख के क्योंकि बहुत पुराने टाइम से रोल्स रॉयस के बारे में सबको पता है, कहानी रोल्स रॉयस की क्या है और जो रोल्स रॉयस है कि पोर्श गाड़ी है यार, हर एक को तो मिलती भी नहीं है, उसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए, पैसा तो सभी पे होता है यार, ऑब्वियसली बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं।
सो हियर इज आवर रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस यहाँ पर खड़ी है। सो बेसिकली एक कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा रॉयल्स रॉयस की, बहुत ही वायरल भी हुई है कि क्या हुआ, एक महाराजा हुआ करते थे इंडिया के, वो रॉयल्स रॉयस लेने के लिए बाहर गए, तो वो जब अंदर गए तो उन्होंने किसी ने जो रॉयल्स रॉयस की जो शोरूम था, शोरूम वालों ने सोचा ये कौन है पता नहीं, तो उनको रॉयल्स रॉयस देने से मना कर दिया। और जब वो इंडिया में आए रॉयल्स रॉयस उन्होंने सफाई के लिए चलाई थी, तो तब रॉयल्स रॉयस वालों ने बहुत माफ़ी मांगी थी कि ऐसा मत कीजिए, हमारा स्टैंडर्ड गिर रहा है। सो यार आप समझ सकते हो कि इंडिया का जो हेरिटेज है कितना खतरनाक रहा होगा। रॉयल्स रॉयस के बाद है यहाँ पर पोर्श, क्या गाड़ी है, मतलब एक नंबर गाड़ी है ना भाई। हाँ भाई हनी पाजी कितना लगी गड्डी? वधिया लगी, चलो बहुत वधिया लगी पाजी ने तक गड्डी। एंड मैं ना बैक साइड से थोड़ा सा आप सभी को दिखाता हूँ, और वैसे कन्वर्टेबल है ये तो कैमरा, क्या बात है। और गाड़ियों के यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ ना, गाड़ियों के साथ साथ यहाँ के गाड़ियों के नंबर भी बहुत 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 ज़्यादा इनोवेटिव और बहुत ज़्यादा VIP कह सकते हैं। बट मैं गाड़ी का नंबर नहीं शो करूँगा क्योंकि मैं चाहता नहीं कि कोई मुझे बाद में कोई भी ऑनर कहे कि यार आप हमारी गाड़ी का नंबर शो कर रहे हैं। सो इससे बढ़िया मैं आपको नेक्स्ट गाड़ी दिखाता हूँ। सो ओवर वी हैव अ मर्सिडीज कन्वर्टेबल, और उसी के साथ है यहाँ पर जैगवार। ओके तो ये है जैगवार, मैं इसको मस्टैंग समझ रहा था क्योंकि जैगवार और मस्टैंग इस थोड़ी लुक में आप सभी भी देख रहे होंगे कुछ सिमिलैरिटीज हैं इनमें, बट स्टिल बहुत बेहतरीन कार है। और वैसे एक बात बताऊँ, थोड़ी लोकेशन छोटी पड़ रही है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी और बहुत पास पास गाड़ियाँ खड़ी हैं। सो मैं तो मुझे तो था कि कुछ बड़ी जगह पर ये गाड़ियाँ होंगी, और उसके बाद फिर एक और GT जो कि मस्टैंग है, एंड आफ्टर दैट हियर इज मर्सिडीज, एक आफ्टर दैट मिनी कूपर। मेरे ख्याल से मिनी कूपर ही कहने आप इन पंजाबी जो बड़ा नाम है, बड़े गाने बने हैं मिनी कूपर ते, है ना? राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना मैं। तो जिन्हें मिनी कूपर गाना सुने हैं वह भी लाइक कर दो। तो BMW अगेन एंड अगेन आप स्टार्टअप जो स्टार्ट किया उत्थे ही आ गया। सो साथ ही साथ यहाँ पर है बहुत बेहतरीन सुपर बाइक, स्टार्टिंग करते हैं हायाबुसा से, उसके बाद कवासाकी की, फिर एक और हायाबुसा, देन अगेन हायाबुसा, देन कवासाकी, देन हायाबुसा। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, बहुत सारी हायाबुसा यहाँ पर है, और कुछ एक आधा हायाबुसा वहाँ पर भी खड़ी है। बाइक्स का भी बहुत बेहतरीन लाइनअप है यार, है ना? सो विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड। यार होप सो आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो यार लाइक कर दो, और अगर नए होते यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मज़ेदार व्लॉग्स आते हैं यार इस चैनल पे। और बहुत जल्दी मैं आपको यार कहीं एक ट्रिप पर लेकर जाने वाला हूँ, मैं एक ट्रिप कर रहा हूँ जो कि ऑडियंस को बहुत जल्दी पता लगेगा कि मैं कहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। तो यार स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़ेदार व्लॉग्स आप सभी के लिए लाएंगे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ਹੋਣ ਲਿਮਟਡ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੈਰਨੀ ਆ ਲਿਮਟਡ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਬਰੱਚ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪੈਰਲਲੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਡੈਥ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਹਾਰਨੀ ਯੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਮਿੱਠੀਏ ਤੇ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨੀ।